हेलो बच्चों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। बच्चों, जो आपके वर्कशीट चल रहे हैं मार्च महीने के, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। कक्षा 8 का विषय रहेगा संस्कृत, ठीक है, और वर्ष रहेगा 2021। तो इससे पहले भी हम आपके कक्षा 8 के सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन अपलोड कर चुके हैं चैनल पर। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, साथ साथ मैं आपको लिंक दे दूंगा जिससे आप देख पाएंगे, ठीक है, सॉल्यूशन। तो आज हम देखेंगे कक्षा 8 का संस्कृत का फुल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपको नाम लिखना है, अपना पिताजी का नाम, चाचा का नाम, कक्षा, यहाँ पर आपको 8 डाल देना है, ठीक है। जो आपका पूर्णांक रहेगा वो रहेगा 50 नंबर का, और प्राप्तांक जितने आपके आएंगे यहाँ पर लेके जाएंगे, और जाँच करता है वो यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे। कुछ निर्देश दिए गए, चाहे तो आप इनको पढ़ सकते हैं। आप देख लेते हैं सॉल्यूशन वर्कशीट पर, कार हमें यहाँ से प्रारंभ करना है। खंड आ दिया गया है यहाँ पर, देखिए पूर्णांक 30 नंबर का रहेगा। तो आम है चित्रकूट अमिटी पात्र आधारित प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत। तो चित्रकूट पाठ के आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला देखिए, चित्रकूटम की दस स्थलम अस्थि। तो जो चित्रकूट है कैसा स्थल है, तो चित्रकूटम नगस्कूल हरितम प्राकृतिक सौंदर्य संपन्नम स्थूलम अस्थि, यानी कि चित्रकूट एक प्राकृतिक सौंदर्य वाला स्थल है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, काम गिरिस्थलम कीदृश अस्थि। तो काम गिरिस्थलम हरितिमाच्छादितम अस्थि, इस तरीके से आपको सेकंड का आंसर हो जाएगा। थर्ड का है काम दगिरे प्रदक्षिणा के क्रियते। तो काम दगिरे प्रदक्षिणा जनय क्रियते, यानी कि जन लोग करते हैं, ठीक है। फिर हमारा चौथा नंबर का, चित्रकूटे का विश्वविद्यालय अस्थि। तो चित्रकूटे अत्र महात्मा गांधी त महोदय विश्वविद्यालय अस्थि। तो चित्रकूट में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा विद्यालय है, तो हमने आपको आंसर बता दिया। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगर आप किसी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है, और 5 सेकेंड के अंदर आपको मिल जाएगा वीडियो सॉल्यूशन। फिर चाहे क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो, CBSE बोर्ड का हो, UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP, किसी भी बोर्ड का हो, चाहे IIT, JEE, नीट या Class 6 से 12 का सवाल हो, इनका सबका जवाब मिलेगा Doubt.app पर, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे Doubt.app पर। साथ ही Doubt.app पर Class 9 से 12 तक के बच्चों के लिए चल रही हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम में लाइव क्लासें, यानी आप पूरी पढ़ाई होगी Doubt.app पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे Doubt.app पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और Doubt.app इंस्टॉल कीजिए। नेक्स्ट है बामे, सूक्त आयाति पद आधारित वाक्यांश पूरा, यानी सूक्त या पाठ सूक्त जो पाठ है उसके आधार पर हमें वाक्यों को पूरा करना है। तो विद्यान सर्वत पूजते, जो विद्यान होते हैं उन्हें सभी जगह क्या पूजा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो बच्चों जो सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सेकेंड है खालिस्तान पर सुखम, तो नास्ति वनाम परम सुखम, इस तरीके से आपको कर देना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर का, आज्ञा गुरुणाम क्रविचारणी, ठीक है, इस तरीके से आपको तीसरा का आंसर कर देना है। फिर है क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महत्व नोपकरम, ठीक है, इस तरीके से आपको जो 5 चौथे का आंसर कर देना है बच्चों। आप देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 2, यहाँ पर देखिए आधुनिक गद्यांश पठोत्तर प्रश्नानी संस्कृत में लिखना है। तो नीचे जो देखिए पढ़ लेते हैं, तेन मेघगुतम ऋतु संचार द्वितीय खंड काव्य विरचित, तो इसको पढ़ लेना और आपको आंसर के सॉल्यूशन इस तरीके से देने हैं। तो कालिदासेन विरचित खंड काव्य नामनी लिखत, तो यहाँ पर देखिए जो कालिदास के द्वारा लिखित खंड काव्य के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर देखिए एक तो मेघदूत ऋतु संग, यहाँ पर देखिए खंड कौन सा है मेघदूत, ठीक है, और ऋतु संहार चार, तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। फिर सेकेंड है मेघदूतस्य भागयो नामनी लिखत, तो मेघदूते पूर्व मेघ उत्तर मेघ स्थिति द्वे भागो इस तरह। तो यहाँ पर आप बता देते हो कहाँ से कहाँ आपको लिखना है। तो बच्चों आपको मेघदूत यहाँ से यहाँ तक लिखना है, ठीक है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। फिर है मेघ दूत रूपेण कुतः गच्छति, तो यहाँ पर देखिए हिमालयस्याम अलकापुरी गच्छति, इस तरीके से आपको लिख देना है। फिर गच्छामि पद का धातु अस्थित, तो इसमें त्वयम् धातु है, कौन सी धातु है बच्चों, त्वयम् धातु। बच्चों अगर आप इसी प्रकार के सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि आदो लिखित पदांश पठत्ता प्रश्नानी संस्कृत लिखत, तो नीचे लिखे इस लोगों को पढ़कर प्रश्नों को उत्तर हमें संस्कृत में लिखनी है। तो पहला है नरत्तम दुर्लभम लोके विद्या तत्व सुदुर्लभा, कवितम दुर्लभम तत्व शक्तिस्तित्व सुदुर्लभा। तो कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देखिए लोके किम दुर्लभम, तो इस क्या हो जाएगा नरत्तम दुर्लभम लोके, ऐसा तो क्या है नरत्तम लोके दुर्लभम, ठीक है। फिर विद्या कत की दशी, तो विद्या तत्व सुदस्तता अस्ति,
फिर नेक्स्ट है हमारा तत् किम सुदुर्लभ, तो तत् कवितम सुदुर्लभ, ठीक है। शक्ति कुत्र सुदुर्लभ, शक्ति शस्त्र सुदुर्लभ। फिर है पाठ पुस्तक कोपी एक श्लोक लिखत, तो पाठ पुस्तक में से कोई भी एक श्लोक लिखिए। तो हमने लिख दिया बिना वेद, बिना गीता, बिना रामायण कथा, बिना कवि कालिदास, भारतम भारत नाही। इस तरीके से आपको हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, ठीक है बच्चों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन कि निर्देश अनुसार प्रश्नोत्तराणी लिखा है, निर्देश के अनुसार हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण अनुसार प्रदत्त शब्द वाक्य रचना करो, तो उदाहरण के अनुसार दिए गए शब्दों की वाक्य रचना कीजिए। तो उदाहरण देखिए यहाँ पर दिए गए बालक पुस्तक और पठती, तो यहाँ पर देखिए शब्द है राम फल खाद, तो इसमें क्या हो जाएगा वाक्य रचना राम फल खादती। लता ग्रामम गम, तो लता ग्रामम गच्छति। फिर निधि लेख लेख निधि लेखम लिखती। फिर श्री से पाठ स्मृत, तो श्री से पाठ स्मृति। फिर हमारा सुधा कायम क्रा, तो इसका हो जाएगा सुधा कार्यति कृति। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर देखिए आदो लिखित विषयेशु एकम विषम तित्वा संस्कृत भाषायाम निबंध पंचवाक्यानी लिखत, तो पहला नीचे लिखे विषयों में से एक विषय पर 5 वाक्य संस्कृत में लिखिए। तो पहला है धेनु, फिर विद्यालय, फिर उद्यानम, फिर पुस्तकम। तो इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन है, इनमें से हमें क्या, हमने धेनु पर आपको यहाँ पर लिख दिया, आप चांस देख सकते हैं। देखिए धेनु अस्माकम माता अस्ति, धेनु चत्वारा पादद्वय संगे एकम लांगुलम च भवति, धेनु नाम विविधा वर्णा भवन्ति, धेनु जनेभ्य मधुरम पयम प्रक्षति, गोमूत्रम दुग्धेन दधि तक्रम नवीनतम घृत च निर्मित भवति। इस तरीके से बच्चों आप चांस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरीके से आप धेनु का जो 5 लाइन आपको धेनु के ऊपर लिखने कही गई थी वो हमने लिख दी है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है बच्चों। चाहे तो आप नोट भी कर लीजिए अपने वर्कशीट में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रयोजनाकार आ गया तो इसको बता देते हैं किस प्रकार से हल आपको करना है। तो यहाँ पर क्या अस्माकम देव प्रदेश विषय स्वीकृत निम्नलिखित बिंदुचार अनुसार हम परियोजना कार्य करूँ, यानी कि मध्य प्रदेश मानचित्र निर्माणम, मध्य प्रदेश का नक्शा बनाइए। तो बच्चों आपको यहाँ पर क्या मध्य प्रदेश का नक्शा बना देना है, किस प्रकार से आप नक्शा बनाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से आपको एमपी का नक्शा बना देना है। यहाँ पर देखिए एमपी का नक्शा कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। आपको इसी प्रकार से थोड़ा आप चाहें तो इसी तरीके से बना दीजिए, ठीक है। जिस प्रकार से मैं बना रहा हूँ ऐसा नहीं कि सेम ऐसा ही बने, लेकिन जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ आप इस तरीके से एमपी का नक्शा बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको एमपी का नक्शा बना देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका नक्शा क्लियर हो गया होगा, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो क्या है मध्य प्रदेश महानगरान नामानी लिखते, तो मध्य प्रदेश के महानगरों के नाम लिखने हैं। मैंने जो नक्शा बताया था वो आपको क्या प्राकृतिक बताया था, उसमें कोई भी शहर का नाम नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्या नाम पूछे गए तो आपको पता ही होगा भोपाल नगरम है, इंदौर नगरम, सांची, स्तंभ, खजुराहो, भीमबेटका, मेयर नगर, उज्जैनी नगर, महेश्वर आदि हैं आपके जो प्रमुख नगर हैं। प्राचीन नगरम परिचय प्रदेश के प्राचीन धार्मिक ऐतिहासिक नगरों की सूची बनाई, तो ओरछा, कला, खजुराहो, ग्वालियर, किला, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है प्रदेश नदी नाम पर्वत अनाज परिचय, नदियों की सूची और पर्वतों की सूची बनाई, तो नदियों की सूची देखिए चंबल, सोन, चपड़ा, बेतवा, सिंध, ठीक है। पर्वतों की सूची देखिए विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, अरावली पर्वत, अमरकंटक पर्वत, महादेवी सीढ़ी, इस तरीके से मध्य प्रदेश में प्रमुख पर्वत सीढ़ियाँ हैं। फिर 5वां है हमारा प्रदेश से महापुरुष राम वीरांगना च सूची निर्मित करो, यानी कि प्रदेश के महापुरुष और वीरांगनाओं की सूची, वीरांगनाओं के नामों की सूची हमें बनानी है। तो देखिए तात्या टोपे, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई और झलकारीबाई, इस तरीके से आपको सूची बना देनी है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपका सॉल्यूशन कंप्लीट होता है कक्षा 8 का वर्कशीट का संस्कृत का, ठीक है बच्चों। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसी प्रकार के वर्कशीट के सॉल्यूशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम कक्षा 8 के आगे की वर्कशीट के सभी सॉल्यूशन अपलोड कर चुके हैं, अगर आप नहीं देखा तो आपको चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।